अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियाजी मैट्रिक के प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। हमारा आज का प्रोग्राम फैक्टराइजेशन यानी अज्जाए ज़रबी से मुतालिक है। आज हम आपको HCF यानी मुश्तरक आधे आज़म और LCM यानी ज़ुसाफ़ कल के बारे में भी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि फैक्टराइजेशन या अज्जाए ज़रबी से क्या मुराद है। नाज़रीन, अगर कोई अदद किसी दिए हुए अदद को पूरा पूरा तकसीम करे तो वो अदद दिए हुए अदद का फैक्टर या जुज़ोए ज़रबी कहलाता है। आइए इसकी एक मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हम ये 12 ब्लॉक्स लेते हैं। अगर हम इन्हें दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो हर हिस्से में पूरे 6-6 ब्लॉक्स होंगे। और अब अगर हम इन्हें इस तरह से तकसीम करें कि हर हिस्से में 5-5 ब्लॉक्स आए, तो फिर ये दो ब्लॉक्स बच जाएंगे। आइए अब इन वैल्यूज़ को हम बोर्ड पे समझते हैं। जब हमने 12 को 6 पर तकसीम किया तो इस सूरत में रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, और 12 को जब 5 पे तकसीम किया तो फिर इस सूरत में रिमाइंडर 2 बचा। तो इस तरह से 5-12 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये 12 को पूरा पूरा तकसीम नहीं करता, और 6-12 का फैक्टर है। 12 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 6 × 2। तो इस सूरत में 6 और 2 दोनों 12 के फैक्टर्स हैं। और इसी वैल्यू को अगर हम यूँ लिखें 3 × 2 × 2, तो इस सूरत में 3 भी 12 का फैक्टर हो गया। ये तो थी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी मस्बत सही आदात के फैक्टर्स निकालने की एक मिसाल। आइए अब हम आम ज़िंदगी में फैक्टर्स के इस्तेमाल के बारे में एक मिसाल देखते हैं। फैक्टर यानी जुज़्वे ज़रबी के आम ज़िंदगी से इस्तेमाल के मुतालिक जो गौरतलब बात है वो ये है कि जब हम अपने आसपास की मौजूद चीज़ों में एक तनासुब रखना चाहते हैं तो फिर हमें उनमें एक ख़ास तरतीब का ख्याल रखना होता है। हमें उन चीज़ों को इस तरह से तकसीम करना होता है कि उनके बराबर बराबर हिस्से हों और उनमें फालतू कोई चीज़ ना बचे। मिसाल के तौर पर हम ये 15 गमले लेते हैं। अब हमने इन्हें कतारों में इस तरह से लगाना है कि हर कतार में गमले बराबर बराबर हों और बाकी कोई गमला भी ना बचे। पहले हमने इन गमलों को दो कतारों में लगाया इस तरह से कि हर कतार में 7-7 गमले आए। 7-7 गमले हर कतार में रखने से हमारे पास एक गमला ये बाकी बच गया। ये इसलिए हुआ कि 2 15 का फैक्टर नहीं है। अब हम इन गमलों की 3 कतारें बनाते हैं इस तरह से हर कतार में 5-5 गमले आए हैं। हर कतार में 5-5 गमले रखने से हमारे पास अब कोई भी गमला बाकी नहीं बचा। ये इसलिए हुआ क्योंकि 3 15 का फैक्टर है। नाज़रीन, रियाजी में हमारा वास्ता एदाद के अलावा अलजबरी जुमलों से भी पड़ता है। तो आइए अब हम अलजब्राइक एक्सप्रेशन यानी अलजबरी जुमलों के फैक्टराइजेशन के बारे में जानते हैं। इसको जानने के लिए हम पहले अलजब्राइक एक्सप्रेशन या अलजबरी जुमलों को डिफ़ाइन करते हैं। वो एक्सप्रेशन या जुमला जिनमें चंद वेरिएबल्स यानी मुतग़ैरात और कांस्टेंट्स यानी मुस्तकलात को अलजब्राइक ऑपरेशंस मसलन जमा तफरीक ज़रब या तकसीम के तहत मिलाया जाए अलजब्राइक एक्सप्रेशन या अलजबरी जुमला कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये तमाम जुमले अलजबरी जुमले हैं। यहाँ पर एक्स वाई और टी ये तमाम वेरिएबल्स यानी मुतग़ैरात हैं, और 5, 6, 4, 3 वगैरह कांस्टेंट्स यानी मुस्तकलात हैं। नाज़रीन, किसी दिए हुए अलजबरी जुमले को 2 या 2 से ज़ायद एक्सप्रेशंस के हासिल ज़रब के तौर पर लिखने के अमल को फैक्टराइजेशन या तज़्ज़ी कहते हैं। आइए इसे हम एक मिसाल की मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमें इस अलजबरी जुमले की फैक्टराइजेशन करनी है।
यहाँ आप देखिए कि इन दोनों टर्म्स यानी रकमों में 6 ए स्क्वायर और बी कॉमन है, तो फिर इसे हम यूँ लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 6 ए स्क्वायर बी और इनटू एक्स प्लस वाई। ये बात आप नोट कर लें कि हमने यहाँ पर सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ को ही अलग किया है और फिर उसके मजीद फैक्टर्स नहीं बनाए। मसलन 6 को हमने इस तरह से नहीं लिखा, 6 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2। इसी तरह ए स्क्वायर को भी हमने ए इंटू ए के फॉर्म में नहीं लिखा है। नाज़रीन, अभी आपने फैक्टराइजेशन की जो मिसाल देखी उसमें फैक्टर्स बनाने के लिए हमें अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हर टर्म में से कोई ना कोई कॉमन फैक्टर मिल जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि हमें अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई टर्म भी कॉमन ना मिले। ऐसी सूरत में हम उनकी टर्म्स को एक ख़ास तरतीब से लिखते हैं ताकि उनके पेयर्स बनाने से हमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए। आइए इसकी एक मिसाल देखते हैं। फर्स्ट कीजिए कि हमें ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी पहली दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहले हम इसे एक तरतीब से लिखते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब इन टर्म्स के हम पेयर्स बना लेते हैं, दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और यहाँ माइनस कॉमन लेने से एक्स जेड प्लस वाई जेड। अब यहाँ आप देखिए एक्स कॉमन है तो फिर ये बराबर होगा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस, इस जगह पर जेड कॉमन है तो फिर हमें मिलेगा जेड इंटू एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों टर्म्स में चूँकि एक्स प्लस वाई कॉमन है फिर हमें ये वैल्यू मिलती है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। यानी हमने दी हुई एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दो एक्सप्रेशंस के ज़र्ब के तौर पर लिखा है। अभी हमने आपको चंद अलजबरी जुमलों की फैक्टराइजेशन या तज़ी के मुतालिक बताया। नाज़रीन, अलजबरी जुमलों की एक ख़ास किस्म पॉलिनोमियल्स या कसीर रकमी कहलाती है। पॉलिनोमियल या कसीर रकमी वो अलजबरी जुमला है जिसकी हर टर्म में वेरिएबल की पावर या सिफर या फिर पॉजिटिव इंटीजर यानी मजबत सही अदद होती है। जनरली अगर हम किसी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखें, ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ऑन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, यहाँ पर ए नॉट गैर सिफर है और ए वन ए टू ए एन ये तमाम ए आईज रियल नंबर्स हैं यानी हकीकी आदाद हैं और एन गैर मनफी सही आदाद है, तो फिर ये अलजबरी जुमला अब वेरिएबल एक्स में एक पॉलिनोमियल हुआ। यहाँ पर एक्स की जो हाईएस्ट पावर है यानी एन वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। मिसाल के तौर पर इस पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो इस तरह इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी। इसी तरह इस पॉलिनोमियल में एक्स की पावर 3 है तो फिर इसकी डिग्री भी 3 होगी। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में ये पॉलिनोमियल सिर्फ एक अदद 12 पर मुश्तमिल है क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0 क्योंकि एक्स रेज़ टू पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है, तो इस सूरत में इस पॉलिनोमियल 12 की डिग्री 0 होगी। नाज़रीन, पॉलिनोमियल्स को जानने के बाद अब हम उनके फैक्टर्स बनाने के मुतालिक जानते हैं। इसे हम एक मिसाल की मदद से समझते हैं। ये वेरिएबल एक्स में एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। यहाँ पर ए बी सी तीनों कॉन्स्टेंट्स यानी मुस्तकलात हैं। इसकी हम पर्टिकुलर मिसाल के तौर पर ये पॉलिनोमियल लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम इसकी पहली और आखिरी टर्म को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है
माइनस टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर यानी माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब हम इस वैल्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स बनाते हैं इस तरह से कि उनको मल्टीप्लाई करने से तो हमें ये वैल्यू मिले और जमा करने से हमें ये दरमियान की टर्म यानी माइनस फाइव एक्स मिले। तो इसे हम अब इन दो फैक्टर्स के तौर पर लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस सिक्स इंटू एक्स यानी माइनस सिक्स एक्स और एक्स को जमा करने से हमें दरमियान की टर्म माइनस फाइव एक्स मिली और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब दी हुई पॉलीनोमियल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस टू और फिर इनके पेयर्स बनाते हैं इस तरह से। अब हर टर्म में से हम कॉमन वैल्यूज लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि 3x कॉमन है और x माइनस टू ये वैल्यू मिलती है, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन है और x माइनस टू। अब चूंकि इन दोनों टर्म्स में x माइनस टू कॉमन है तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x माइनस टू इंटू थ्री एक्स प्लस वन। यानी दी हुई पॉलीनोमियल को अब हमने फैक्टराइज करके दो पॉलीनोमियल्स की प्रोडक्ट के तौर पर लिखा है जिसमें इसकी हर डिग्री वन है। अभी हमने डिग्री टू की एक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका सीखा। नाज़रीन, अलजेब्रा में ज़रब के बाज़ नताइज ऐसे होते हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, इन्हें फॉर्मूले या कुलियात कहते हैं। जिस तरह किसी मकान या बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका नक्शा या मॉडल तैयार किया जाता है और फिर उस नक्शे की मदद से वो मकान या बिल्डिंग तामीर की जाती है, इस तरह से इन्हें बनाने में सहूलत रहती है। रियाजी में भी फॉर्मूले नक्शों या मॉडल्स के तौर पर लिए जाते हैं, यानी इनकी मदद से सवालात हल करने में आसानी होती है और वक्त में भी बचत होती है। आइए रियाजी में इस्तेमाल होने वाले चंद फॉर्मूलेस देखते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं। रियाजी का पहला फॉर्मूला ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये दूसरा फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फार्मूले में ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह फोर्थ फार्मूले में ए प्लस बी की पावर थ्री है, यानी ए प्लस बी होल रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू ए पावर थ्री प्लस थ्री ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी पावर थ्री। और इस फिफ्थ फार्मूले में ए माइनस बी इज टू पावर क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब के। ये तमाम फॉर्मूले रियाजी के चंद अहम फॉर्मूले में शुमार होते हैं और इनकी मदद से हम रियाजी के बहुत से मुश्किल सवालात भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए एक मिसाल देखते हैं जिनमें इनका इस्तेमाल हुआ है। अभी आपने ये फॉर्मूला देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब अगर हमें इसी टाइप की कोई एक्सप्रेशन दी जाए, मसलन एक्स पावर फोर माइनस एटी वन पावर फोर, तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर होल स्क्वायर के। और इस फॉर्मूले की मदद से अब हम इसे यूँ लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए कि इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू फिर
اس فارمولے کی طرح ہے. پھر ہم اسے مزید فیکٹرائز کر کے یوں لکھ سکتے ہیں, یہ برابر ہے ایکس مائنس 3y انٹو ایکس پلس 3y, اور یہ ایکسپریشن ویسے ہی لکھیں گے ایکس اسکوائر پلس 9y اسکوائر. ناظرین, الجبری جملوں کی فیکٹرائزیشن یا تجزیہ جاننے کے بعد اب ہم ایچ سی ایف کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایچ سی ایف سے مراد ہے ہائیسٹ کامن فیکٹر یا مشترک اعداد اعظم. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے, اعداد اعظم کوئی سے دو یا زائد اعداد کا وہ کامن فیکٹر ہے جو سب سے بڑا ہے. آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں. فرض کیجیے ہم یہ تین اعداد لیتے ہیں 60, 45 اور 30. یہاں پر ہم نے ان تینوں اعداد کے فیکٹرز بنائے ہوئے ہیں. اب ہم ان میں سے ان کے کامن فیکٹرز نکالتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ 3 ان تینوں میں کامن ہے, یعنی 3 بھی کامن ہے اور 5 بھی ان تینوں ویلیوز کے فیکٹرز بھی کامن فیکٹر ہے. تو اس صورت میں ان تینوں اعداد کا ایچ سی ایف یہ ہوگا 3 × 5, جو کہ برابر ہے 15 کے. ناظرین, ایچ سی ایف کو ہم عملی زندگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. آئیے اس سلسلے میں ایک مثال دیکھتے ہیں. دو ڈرمس میں بالترتیب 45 لیٹرز اور 175 لیٹر تیل ہے. اب ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے لیٹر کے ڈبے سے دونوں ڈرمس کا تیل پوری پوری مرتبہ ماپا جا سکتا ہے. یہ جاننے کے لیے اب ہم ان دونوں اعداد 45 اور 175 کا ایچ سی ایف نکالتے ہیں. پہلے ہم 175 کو 45 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس طرح سے 175 ڈیوائڈ بائی 45, تو ہمیں یہ ویلیو ملتی ہے 135, جس کا ریمائنڈر 40 ہے. اب ہم 45 کو 40 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ویلیو ملتی ہے 40 × 1 = 40, اور پھر ریمائنڈر 5 ملتا ہے. اب دوبارہ ہم 40 کو 5 سے ڈیوائڈ کریں گے تو پھر اس صورت میں 5 × 8 = 40 ہے, تو ہمیں ریمائنڈر کچھ نہیں ملتا. تو اس صورت میں ان دونوں اعداد 45 اور 175 کا ایچ سی ایف یہ 5 ہوگا, یعنی ایچ سی ایف برابر ہے 5 کے. دوسرے لفظوں میں مطلوبہ ڈبا اب 5 لیٹر جسامت کا ہوگا. یہ تو تھی عملی زندگی میں ایچ سی ایف یا اعداد اعظم کے استعمال کی ایک مثال. آئیے اب ہم پولینومیلز کا ایچ سی ایف نکالنے کے بارے میں جانتے ہیں. پولینومیلز کا ایچ سی ایف نکالنے کے دو طریقے ہیں, بذریعہ فیکٹرائزیشن اور بذریعہ ڈویژن یا تقسیم. کوئی سے دو یا زائد پولینومیلز کا ایچ سی ایف وہ بڑی سے بڑی ڈگری کی پولینومیل ہوتی ہے جو دی ہوئی پولینومیلز کو پورا پورا تقسیم کرے. آئیے پہلے ہم فیکٹرائزیشن کے ذریعے ایچ سی ایف نکالنے کی ایک مثال کو سمجھتے ہیں. فرض کیجیے ہمیں یہ تین پولینومیلز دی گئی ہیں جن کا ایچ سی ایف ہم نے معلوم کرنا ہے. پہلے ہم ان پولینومیلز کے فیکٹرز بناتے ہیں اس طرح سے. تو اب تینوں فیکٹرز میں ہم چیک کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سا فیکٹر کامن ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ ایکس پلس 1 ان تینوں پولینومیلز میں کامن فیکٹر ہے, اور چونکہ یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو کہ کامن ہے, اس صورت میں اس کا ایچ سی ایف یہ پولینومیل ایکس پلس 1 ہوا. ناظرین, پروگرام کے آخر میں ہم ایل سی ایم یعنی لیسٹ کامن ملٹیپل کے بارے میں بات کرتے ہیں. کسی عدد کا 1 گنا, 2 گنا یا 3 گنا اس کے ملٹیپلس یا اضعاف کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر 3 × 1 = 3, 2 × 6 اور 3 × 9 ہے. اس طرح 3, 6, 9, 12 یہ تمام 3 کے ملٹیپلس ہیں.
اسی طرح کوئی سے دو یا زائد اعداد کے کامن ملٹیپلس وہ اعداد ہیں جو کہ دونوں کے ملٹیپلس میں کامن ہیں، اور ایل سی ایم یا لیسٹ کامن ملٹیپل ظاہر ہے ان میں سے سب سے چھوٹا کامن ملٹیپل یا مشترک ضرب ہے۔ آئیے اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہم نے ان تینوں اعداد 4, 6 اور 12 کا ایل سی ایم معلوم کرنا ہے۔ پہلے ہم ان تینوں کے ملٹیپلس لکھیں گے اس طرح سے، اور پھر ان کے کامن ملٹیپلس فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ 12 ان تینوں کا کامن ملٹیپل ہے، اسی طرح 24 بھی ان تینوں اعداد کا کامن ملٹیپل ہے، اور چونکہ 12 سب سے چھوٹا ملٹیپل ہے اس طرح سے اس کا لیسٹ کامن ملٹیپل 12 ہوا۔ ناظرین، ایچ سی ایف کی طرح ایل سی ایم معلوم کرنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک فیکٹرائزیشن کے ذریعے اور دوسرا ڈویژن کے ذریعے۔ آئیے پہلے ایل سی ایم کی عملی زندگی میں ایک مثال دیکھتے ہیں۔ لیسٹ کامن ملٹیپل یعنی زوزافقل کا عمل دخل ہماری زندگی میں عام ہے، اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کیجئے ہمارے پاس یہ کچھ باسکٹ میں سیب ہیں، ان سیبوں کو ہم نے 2, 3 اور 4 بچوں میں اس طرح بانٹنا ہے کہ ہر بچے کو برابر برابر مقدار میں سیب ملیں۔ اس طرح ہم نے سیبوں کی وہ کم از کم تعداد معلوم کرنی ہے جس کو تینوں اعداد 2, 3 اور 4 پورا پورا تقسیم کر سکیں۔ آئیے اب ہم اس مثال کو بورڈ پہ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے پہلے بچوں کی تعداد لکھی ہے، یعنی 2, 3 اور 4۔ اب ہم انہیں اس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے، یعنی سب سے چھوٹا پازیٹیو انٹیجر جو کہ 1 سے بڑا ہے، تو ہمیں یہ ویلیوز ملتی ہے 1, 3 اور 2، کیونکہ 2, 3 کو ڈیوائڈ نہیں کرتا تو اسے ہم ویسے ہی لکھتے ہیں۔ اب دوبارہ چونکہ یہاں پہ 2 ہے تو ہم اس سے دوبارہ 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے، یہ ویلیو ملتی ہے 2, 1, 3 اور 1۔ اب 2 سے بڑا پازیٹیو انٹیجر 3 ہے جو کہ اس کو ڈیوائڈ کرتا ہے، تو ہم اسے 3 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ویلیوز ملتی ہیں۔ اب ایل سی ایم فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ان تمام ڈیوائزز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، اس طرح سے 3 × 2 × 2 جو کہ برابر ہے 12 کے، تو اس طرح سے سیبوں کی کل تعداد 12 ہوئی۔ ناظرین، اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ سیبوں کی کم از کم تعداد 12 ہونی چاہیے، اس طرح اگر 2 بچے ہوں تو دونوں کو برابر برابر 6 سیب ملیں، اور اگر 3 بچے ہوں تو ہر ایک کے حصے میں 4 سیب آئیں، اور اگر 4 بچے ہوں تو ہر بچے کو 3 سیب ملیں۔ اعداد کی طرح ہم پالینومیلز کی ایل سی ایم بھی نکال سکتے ہیں۔ پالینومیلز کی ایل سی ایم نکالنے کے لیے ہم یہ مثال لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے یہ 3 پالینومیلز لیے ہوئے ہیں اور ان کے فیکٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ اب ان کی ایل سی ایم نکالنے کے لیے ہم ان میں مشترک اور غیر مشترک فیکٹرز کا حاصل ضرب لیتے ہیں، یعنی یہاں پر x-1 مشترک ہے، اسی طرح ان دونوں پالینومیلز میں x-2 مشترک ہے، تو پھر ہم ان فیکٹرز کی پروڈکٹ لیتے ہیں، اس طرح سے x+3 × x-1 x-2 × x+2، ان تمام کا پروڈکٹ ان تینوں پالینومیلز کا ایل سی ایم ہوگا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ x-1 کو صرف ایک ہی دفعہ لکھا گیا ہے، اسی طرح اس کامن فیکٹر x-2 کو بھی ایک ہی دفعہ لیا گیا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو اعداد اور پالینومیلز کی فیکٹرائزیشن سے متعلق چند معلومات فراہم کی، اور ان کے ایچ سی ایف اور ایل سی ایم نکالنے کے بارے میں بھی بتایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔